हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल वैकेंसी फॉर साउथ और डेडिकेट फैक्ट्री कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से यानी DFCCIL की तरफ से एक यहां पे रिजल्ट निकल के आया है, कह सकते हैं अपडेट निकल के आए। तो जो भी यहां पे इंतजार कर रहे थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वेटिंग लिस्ट के यहाँ पे छात्रों का काफ़ी ज़्यादा वेटिंग यहाँ पे क्लियर की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के स्टूडेंट है, उनके लिए बड़ी खबर है कि उनका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिए गए। इंटरव्यू के बाद में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू के बाद में आपका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसका यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, किस किस को इसमें सेलेक्ट किया। सो फ्रेंड्स, ये रहा वो नोटिस, यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर जूनियर मैनेजर मैकेनिकल एडवर्टाइज नंबर, ये सारे जॉब आपके CBT 1 का हुआ था, सारी चीज़ें दी गई है इसमें। तो देख सकते हो द फाइनल मेरिट लिस्ट ड्रॉन द ओनली द अमंग द 25% जो आपका वेटेज दिया जाएगा CBT मार्क्स का, और यहाँ पे 15% जो वेटेज आपका दिया गया इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू को मिला के और जो आपके CBT एग्जाम हुआ दोनों को मिला के आपके फाइनल यहाँ पे कट ऑफ मार्क जारी कर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी और PW दोनों कैटेगरी के। सबसे पहले जो CBT एग्जाम हुआ था उसके हाईएस्ट कट ऑफ थी यहाँ पे 120 में से 76 पॉइंट यहाँ पे 25, और PWD कैंडिडेट के 55 थी। लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 69.25 आपके कट ऑफ मार्क रही थी इसमें। CBT के इंटरव्यू और यहाँ पे CBT को मिला के टोटल यहाँ पे बात करें तो इंटरव्यू और CBT को मिला के टोटल 120 में जब अब आपकी जो कट ऑफ बनी है, हाईएस्ट कट ऑफ बनी है 78.31, तो अगर इसके अंतर्गत आपका स्कोर था तो आप इसके लिए सेलेक्टेड हो चुके हो। और आपको अब DV के लिए बुलाया जाएगा, तो वो भी जल्दी आ जाएगा आपके। देख सकते हो DV भी शेड्यूल हो चुका है, मैं आपको बताऊंगा। लोएस्ट कट ऑफ रही है 76.82 और यहाँ पे PWD कैंडिडेट की मात्र 56.77 आपकी इसमें कट ऑफ मार्क है। कैंडिडेट की सारी चीज़ें दी गई है, इसको आप पढ़ लेना। और उसके बाद में देख सकते हो द कैंडिडेट मे बी प्लीज नोट द कंसिडर द मैंने द ऑफर द एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको ऑफर दिया जाएगा था। और यहाँ पे देख सकते हो CBT इंटरव्यू चेक, वह यहाँ पे कहाँ से आप चेक कर सकते हो स्कोर, जो आपका स्कोर है वो कैसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पे ये लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके 20 तारीख 29 तक आप इसमें 20 तारीख तक आप इसमें अपना जो स्कोर है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे 20 तारीख से लेके मतलब 5-10 के बीच में आप अपना इसमें स्कोर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कोर यहाँ पे चेक कर सकते हो, 20 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि आपको कितना स्कोर कार्ड आया है। और बाकी सारी चीज़ें इसमें दी गई है, बाकी की सारी चीज़ें आपको अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो इस ईमेल पे आप भेज सकते हो अपनी प्रॉब्लम, और जो भी आपका स्कोर रहा है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और कितने स्टूडेंट का इसमें वेटिंग क्लियर हुआ है यहाँ पर दिया गया है सारी चीज़ें। अपॉइंटमेंट लेटर आपको जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर आया है। और यहाँ पे देख सकते हो 3 स्टूडेंट इसमें दिए गए हैं, 2 अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आप अपना इसमें रोल नंबर और नाम देख सकते हो, और एक यहाँ पे PWD कैंडिडेट है, तो आप अपना इसमें देख लेना। जिस भी 3 स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत बहुत बधाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।